जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं माननीय इंदिरा जी खेतर साहब, पीसीसी के सदस्य रमेश जी इंदौरिया, भानीराम जी मेघवाल, पूर्व उप प्रधान कुशालनगर पंचायत समिति दीवान सिंह जी भानी जिला और उप प्रधान लक्ष्मण जी नायक, ज्ञात ब्लॉक अध्यक्ष कालूराम जी मेघवाल पहुंच चुके जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। अब आए अतिथियों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। सभी साथियों से मेरा निवेदन, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूं रामलाल जी बजाति माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे माननीय पुषाराम जी गोदारा का। रामलाल जी बजाति रंजीत जी ढाका आगे आए माननीय पुषाराम जी गोदारा का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। अम्बाराम जी तीन बरगाती राम कुमार जांगीर नंदलाल जी चीनिया बजरंगलाल जी चीनिया कर्णाराम जी पूर्णिया गणपत जी पूर्णिया उमाराम जी पूर्णिया रतनलाल जी पूर्णिया कलाल जी पूर्णिया हृदयलाल जी प्रजापत लक्ष्मण जी एडवोकेट साहब चंद्राराम जी चीनिया केदाराम जी चीनिया लालाराम जी चीनिया गजानंद जी गजानंद प्रजापत मुकेश सिन्हा सुभाष सिन्हा नंदर नायक पन्नालाल पूनिया हनुमानाराम जांगीर रद्दी सिंह छोटेलाल सिन्हा ओम प्रकाश प्रजापत राम कुमार सिन्हा राम कुमार सिन्हा राम कुमार जी सेन जगदीप सिन्हा राजकुमार सिन्हा राकेश सिन्हा
राजेश पूनिया हेलो अन्य निवेदन करता हूँ गुजराला जी प्रजापत से और आगे आकर अपने जिला अध्यक्ष से इंदिरा जी किशोर का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। रंगजी जी ढाका से मेरा निवेदन है किसी से सदस्य रमेश जी इंदौरिया का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। उमराम जी पूनिया से मेरा निवेदन है पूर्व प्रधान गिरजालाल जी बामड़वा का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। प्रजाति से मेरा निवेदन है पूर्व प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ दीवान सिंह जी भानी सिंह का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। कल्याराम जी पूनिया से निवेदन है आगे हैं और पूर्व बिहार ब्लॉक अध्यक्ष बालीराम जी मेघवाल वर्तमान सरपंच आंसर का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। लालजी पूनिया से मेरा निवेदन है बिहार ब्लॉक अध्यक्ष भाई कालूराम जी मेघवाल का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। बजरंगी सिंह से मेरा निवेदन है आगे आए और पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सांगासर धनाराम जी मेघवाल का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। धनाराम सिंह से मेरा निवेदन है आगे और फकीर सिंह जी दानोदिया पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। धनाराम सिंह जगदीश जी चीनिया से मेरा निवेदन है आगे आए और बांग्ला जी जसेल का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। बाबूलाल जी चीनिया बूथ अध्यक्ष उनसे मेरा निवेदन है सुरेंद्र जी हुड्डा का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मैं निवेदन करता हूँ गणपत जी पूनिया पीताराम जी पूर्व सीआई कांग्रेस मंडल अध्यक्ष बुधवाली उनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। लालाराम पूनिया जी ने राठौर पूर्व सरपंच राज्य सरकार माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। रक्षपाल जी नायक उप प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़ का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। लालाराम जी जी ने सुरेंद्र सिंह रोहसर का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। न्यूनतम प्रजापत नैमिचंद प्रजापत और बड़े भाई साहब जिला परिषद सदस्य पप्पू जी गाठिया का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। धन्यवाद।
जमुना की घोटिया का माला फिर द्वारा स्वागत करेंगे मामला जी जी सुनो सरपंच सदनजी बापल का माला फिर द्वारा स्वागत करेंगे राम कमल जी सोन मामला जी ने उनसे मेरा नाम है सुधाराम जी ने बॉल का माला पेड़ द्वारा स्वागत करेंगे तुलसी राम जी ठेकेदार का माला पेड़ द्वारा स्वागत करेंगे रूपाराम जी ने पूर्व सरपंच रघुनाथपुरा संघ मेला का मल्लार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे मुकेश मल्लाल जी पूर्णिया से मेरा निवेदन है पूर्व सरपंच जयराज सर मल्लाल जी बेटा का मल्लार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे तुम्हारा जी पूर्णिया से मेरा निवेदन है सुजाम जी पूर्णिया पूरे सरपंच प्रेम सर का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे फिर गौर जी पूर्णिया पूरे प्रधान पूर्व सरपंच श्रीमान हनुमान राम जी मेघवाल का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे तमालार पूर्णिया कोटी की अध्यक्ष सुधाराम जी पलारा का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे सदैव प्रजापत कन्नाराम जी पूर्णिया से मेरा निवेदन है विजयपाल जी भोहान पूर्व सरपंच वर्तमान पंचायत समिति सदस्य उनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे मेस को एक बार बंद कर दो 15 मिनट मीटिंग कर लेते हैं उसके बाद मेस का उद्घाटन मातृशक्ति से निवेदन करता हूँ मैंने सुखराम जी को गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करेंगे आओ इंदिरा जी चेन्नई से और अन्य महिलाओं सभी से मेरा निवेदन है आगे आए और गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करें माला तो लाना है आजो थे भी आओ आओ पांच इन खड़ा जाओ पांच इन खड़ा जाओ शादी के ज्वाले पर पांच मिनट जाओ पांच और मैं आ जाओ पांच आ आजो 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 पांच इन खड़ा जाओ पांच इन खड़ा ये लाइव तो नहीं है ऐसी एक साइड एक एक साइड बीच में बड़ा फोटो खड़ा है ये लगन से लो जा कर दे लाइव और सामने से और सामने पीछे जो फोटो है तो देख ले ये है जी एक एक साइड दे सी दो ये मतलब तेरा करो आ लो के फोट दस आ गए हालांकि आ गए नहीं थोड़ा पीछे लो आप ले
थोड़ा जा हो तो कुछ पीछे उतार कोई बात नहीं कोई बात नहीं अरे इनो गैस इतो इनो रुके हिसाब में आदमी रांजे आत्मराव इनो गैस अरे मैं नहीं सुन चल ठीक है धन्यवाद चालू करा भी बाकी अब मैं यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल जी मेघवाल से निवेदन करता हूँ कि वो पूरे गांव की तरफ से आदरणीय कुशाराम जी का माला पहनाकर बागीर जी नाइक से भी निवेदन करूंगा कि पूरे गांव की तरफ से आदरणीय कुशाराम जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में यही विराम देते हुए मैं बागीर जी मेघवाल से नाइक से निवेदन करूंगा कि वो आए और शाब्दिक उद्बोधन दे। गांव के इस खेल मैदान हरदेसर चुनावी सभा में अपने बीच में पधारे रहा अपना लोक लाडला 36 कौन का प्रिय जन नेता माननीय तुषाराम जी गोदारा का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत और तमाम मंच में विराजमान अपना सम्मानित मंचासीन अतिथिगण बंगोपी गांव की चौपाल की धरा पर बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। गांव के पधारे मेरे बड़े बुजुर्गों मातृशक्ति नवीन साथियों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। मैं कांग्रेस की 25 तारीख को मतदान है और सारे ग्रामवासियों में यही कहना चाहता हूं जोश है और आप बताएं अपनी बात सारे ग्रामवासियों में जोश है और बढ़िया जो कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है उस काम को देखते हुए पूरे गांव में जोश है और बढ़िया लीड के साथ आपको हम यहां से जिताकर भेजेंगे हमारे गांव से यही मेरा कहना है। और अब मैं निवेदन करता हूं भारतीय जसेल से वो अपना सभा को संबोधित करें। आज गांव हरदेसर की चौपाल में हमारे जनप्रिय प्रत्याशी श्री कुशाराम जी गोदारा उनके साथ पधारे हुए हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय भाई साहब रमेश जी इंदौरिया साहब हमारे चुरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़ साहब अन्य तमाम हमारे कांग्रेस के सभी बड़े नेतागण सम्मानित मंच आज इस चौपाल में हम आप लोगों से अपील करने आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को सभी लोग श्री पुषाराम जी गोदारा साहब को सभी अपने सभी एक एक कार्यकर्ता कैंडिडेट बनके इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर हमारी ये जो हार की जो परंपरा है 20 साल की इसको तोड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब लोग रतनगढ़ से अन्य गांवों से पंचायतों से सरपंचगण जो पधारे हैं वो सभी आपसे यही अपील करने हैं तो आप सभी लोगों से अपील है मैं ज्यादा बात नहीं करते कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो तो आप सबको मालूम ही है बिजली का बिल है पेंशन है जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अन्य जो भी है पशुधन की बीमा है और जो अभी जो 7-8 गारंटियां और भी हमारी सरकार देगी वो चुनाव के बाद वो भी अपने लाभदायक है। अब सभी से अपील है कि हमारी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तभी सभी ये योजनाएं लागू रहेंगी ये सभी बातें हमारे पुषाराम जी अन्य नेतागण बताएंगे उसमें मैं समय नहीं खराब करूंगा। हम तो अपील करने हैं हम सब लोग और अपील को ध्यान रखते हुए आने वाले 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के इस गांव से पुषाराम जो भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद श्रीमान गंगलाल जी जसेल को। अब मैं निवेदन करता हूँ देहात ब्लॉक अध्यक्ष कालूराम जी मेघवाल सभा को संबोधित करें। गांव हरदेसर में खेल मैदान में पधारे हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदर योगी किसान नेता तुषाराम जी गोदारा हमारे जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ साहब साथ में पधारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र जी इंदौरिया पूर्व प्रधान दिलवार लाल जी डांगरिया सम्मानित मंच गांव हरदेसर के पावन धरातल सभी से अपील करना चाहूंगा कि माननीय तुषाराम जी गोदारा को यहां से भारी बहुमतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजें। अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल में निरंतर जन भावना के अनुसार
और जनता भी बहुत अच्छा लाभ दिया है। जिस प्रकार सबसे बड़ी योजना लागू की हमारे बीच में चिरंजीवी योजना, आज चिरंजीवी योजना का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल रहा और निरंतर 5 साल में 10 गारंटियां हमारे मुख्यमंत्री ने दी थी। आने वाले चुनाव में और अगले 5 साल में 7 गारंटियां और दी है, यह गारंटियां निरंतर बनी रही। इसी पब्लिक कांग्रेस की सरकार बनने संभव है। हमारे विधायक माननीय कुशाराम जी बन रहे ज्यादा से ज्यादा मतों से भारी बहुमत से विजय बनाकर तुषाराम जी विधायक विधानसभा देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब मैं निवेदन करता हूँ पूर्व सरपंच सांगा सर श्रीमान धनाराम जी मेघवाल सभा को संबोधित करें। राम राम साहब, मेरा तो ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने वोट दिला करके जो 20 साल से और रिकॉर्ड टूट रहे बने बीजेपी जीत रही है। अब के आपा ने कांग्रेस ने जितानी है और 10 साल से पूसा राम जी मेहनत कर रहे हैं जी और जानूर आपने बीच में रह रहे हैं। तो थे ज्यादा से ज्यादा मत कांग्रेस पार्टी ने दिलाओ और बुत ने एकदम मजबूत रखो। मैं युद्ध जगह बच्चा है जगह वोट घर घर से काट लिया है, जो भी दिन एक ही वोट घर में नहीं रहना चाहिए। सहका से लाग गया पुसाराम गोदारा बन करके 25 तारीख तक लागे रहो तो अपनी विजय होगी और पुसाराम जी अगले 5 साल में आपने ये सागे रहेगा और अपना काम करेगा। जय हिंद जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व उप प्रधान सुधामगढ़ दीवान सिंह जी भानिसिया से कि वो अपना वोट वोट देंगे। अरे छोटी सी अपील मैं ही करूँ, हार बहुत मरी हुए डेली साल तो सू गए ही बोटा टूटन में आ गए ही जो सब हार छोड़ निवेदन है तो बुरा धरती पाती सभी भूल रहे और सो धक्को लगाओ नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। सम्माननीय हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पुसाराम गोदारा जी, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राज किशोर जी, सम्मानित मंच साथियों पधारेड़ा, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, गांव हरदे करके मेरे बड़े बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों, माताएं बहने, 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव आप लोगों के तकदीर के चुनाव, आप लोगों के लिए विधानसभा में कानून बनाना कि गांव में किसान ने मजदूर ने और महिलाओं ने काई काई सुविधा मिलनी चाहिए। ए चुनाव अति निर्णायक शक्ति, सरपंच का चुनाव अलग चीज हुए, पंचायत समिति अलग हुए, लेकिन जो भी कानून बनता है आप लोगों के लिए वैसे विधानसभा बनता है। अगर तुषाराम जी जैसा व्यक्ति जो गांव में गरीब किसान के घर पैदा हुआ व्यक्ति और जो 10-15 साल सरपंच रहे, 20 साल प्रधान रहे, ऐसा व्यक्ति अगर सुनकर जाता है तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए और गांव के लिए वहां जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें आप लोगों के हक की आवाज उठाएंगे कि भाई महिलाओं के लिए ये सुविधा होनी चाहिए, युवाओं के लिए सुविधा होनी चाहिए, किसान के, मजदूर के और गरीब व्यक्तियों के लिए सुविधा होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी 5 साल तक सत्ता में रही, आप लोगों के लिए चाहे महिलाओं का रोड किराए की बात हो, चाहे आपकी पेंशन की बात हो, चाहे सिलेंडर 500 रूपये करना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे खाद्य सुरक्षा योजना हो और भी बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने आपको दी। आज से 1 साल पहले किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा था आप महिलाएं बैठी है, आपने कभी सोचा कि हमारा बिजली का बिल माफ होगा? कभी नहीं सोचा आपने। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने आप लोगों का बिजली का बिल माफ कर दिया। बिजली का बिल जो महीने का 1000-1500 रूपये घर घर में आता था वो आपको शून्य बिल आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है चाहे उज्ज्वला सिलेंडर हो, एक तरफ बीजेपी की सरकार है आपको 1150 रूपये सिलेंडर दे रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं 500 रूपये में दूंगा और ये महिलाएं बैठे आपको कहना चाहता हूँ
अगर कांग्रेस की सरकार बनी और यहाँ से पुसाराम जी चुनाव जीते तो आप जितने भी लोग बैठे हो, चाहे उज्ज्वला में हो, चाहे कोई भी हो, सबको 500 रूपये में सिलेंडर मिलेगा, सबको 500 रूपये में। यह घोषणा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने कर दी। मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी है, देखो भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े शहरों की पार्टी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े बड़े सेठ साहूकारों की पार्टी है। आपने पार्टी को हमेशा कांग्रेस की, गांव के किसान की, मजदूर की। आपने नहीं देखा अभी वहां दिल्ली में करीब 700-800 किसान मर गए। आपके खेती की नीलामी की तैयारी कर ली थी बीजेपी ने कि आपके खेत को नीलाम करेंगे और उसमें बड़े बड़े ये उद्योगपति आएंगे और वो पूरे गांव की जमीन वो बाएंगे और आप बैठे बैठे देखो ये हालात कर दिए थे। वहां किसान ही नहीं मेरे 700-800, लेकिन 3 किसानों के लिए काला कानून लाके और इस सरकार ने ये मंशा जाहिर कर दी कि हम किसान कौम को नहीं समझते, किसान हमारे लिए कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ उद्योगपति सब कुछ है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि छत्तीस समाज की पार्टी है, पुसाराम जी छत्तीस समाज के नेता है, 2013 में यहां से चुनाव लड़ा, किसी कारण चुनाव हार गए, क्यों हारे वो आप सब लोगों को पता है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हर भारतीय खाते में 15 लाख रूपये आ जाएंगे, मोदी जी ने कहा मैं काला धन लाऊंगा और हर भारतीय को 15 लाख रूपये दूंगा, वो 15 लाख रूपये नहीं आए। फिर उन्होंने कहा जो युवा बैठे कि मैं सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। भागीर जी गलत कर होंगे, अब वो नौकरी तो 2 करोड़ दी नहीं, अगर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देते तो आज 18 करोड़ 9 साल हो गए उनको, 9.5 साल, आज 18 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलती। मुझे एक भी अडेसर गांव में ऐसा व्यक्ति बताओ जो पिछले 9 साल में केंद्र की सरकार में नौकरी लगाओ, और राजस्थान सरकार ने 3.5 लाख नौकरियां दी है, और भी नौकरियां देंगे, आपके लिए हर पूरी व्यवस्था करेंगे, आपके कुआं भट्टियां जो बिल है 2000 बिजली फ्री की, और जहां तक मैं समझता हूं जिसके 15 HP की मोटर है उसके तो बिल भी शायद 0 आता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पुसाराम जी जैसा व्यक्तित्व है, छत्तीस समाज को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति आपको नेता नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति 2013 में चुनाव हारने के बावजूद 5 साल हरदे सरकार में आपके सुख दुख में शामिल होता रहा, और जो व्यक्ति 2018 में किसी कांग्रेस टिकट नहीं मिल पाया, आप लोगों ने बहुत मजबूत संबलों साथ दिया और 62,000 वोट देके और आपने इनको इतना मजबूत किया कि आज कांग्रेस पार्टी ने वापस इनको टिकट दी, और 2018 में फिर चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इनको मजबूती से बहुत अच्छे वोट दिए और फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी इस आदमी की ताकत देखो, इनकी ऊर्जा देखो और आप लोगों के प्यार प्रेम देखो, फिर आप 5 साल आप लोगों के बीच में हमेशा याद में रहा, आपके सुख दुख में शामिल रहा, आपकी आवाज उठाई, कोई भी व्यक्ति इनके घर पे गया, इनके पास गया तो वो निराश नहीं होता, उसका काम करना था। तुकाराम जी ने ये नहीं पूछा कि तू जाट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, बढ़िया है, उन्होंने अपना फोन निकाला और बोला काम बोलो, काम तक नहीं पूछा। ऐसा व्यक्ति तो हमें मिल सकता है, हमें सही आज कैसा व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीते जब भी अपना जाके कोई भला होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी 20 साल से जीत रही है, मुझे तो लगा नहीं ऐसा कोई काम, जो महिलाएं बैठी है नरेगा की योजना कांग्रेस चालू की, और इन्होंने साफ कहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो नरेगा को कम करेंगे, और 40% नरेगा में कटौती कर दी। हम पिछली बार आए थे 5-7 महीने पहले, ये आपकी मेट बैठी यहाँ पर, आपने बताई थी आपकी समस्या, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गांव के लिए जितने भी योजना है भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये आके बता दे कि एक भी योजना है, सिर्फ एक योजना है कि साल में 2000 रूपये कोई खेती खाती का जरूर गाल है। तो कांग्रेस ने तो महीने के 15-15 रूपये बिजली की माफ कर दी, खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया, चिरंजीवी योजना दे दी। मेरा आपसे निवेदन है कि ये व्यक्ति 10 साल चुनाव हारते हो गए, आप नेम और ईमान अब की बात अपन एक मत हो, इस व्यक्ति को एक बार विधानसभा में भेजो, आपको पता लगेगा कि हमारे लिए क्या क्या आवाज उठाता है। जब विधानसभा में पुसाराम गोदारा पहुंचेगा तो आपको एहसास होगा कि हमने ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है जो हमारे हितों के लिए आवाज उठा रहा है। इतनी बात करके मैं मेरी बात को विराम दूंगा और इतना और कहना चाहूंगा कि आप इनको वोट दो, आप इनको सपोर्ट करो, आपके मान में, सम्मान में और आपके काम में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इस बात की जिम्मेदारी हम सब लोग आपके साथ है, जब भी आप कहोगे आपके लिए हाजिर रहेंगे। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब।
विवान सिंह जी राठौर को जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाओं को बताई। अब मैं निवेदन करता हूँ पूर्व प्रधान श्रीमान गिरधरलाल जी बांगरवा सभा को संबोधित करेंगे। आपके गांव आदेश्वर में पधारे हमारे 36 कौम के नेता किसान के बेटे सम्मान्य पूछाराम गोदारा जी, मंच पे विराजमान हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान इंद्रा खीचड़ जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय रमेश इंदौरिया जी, सम्मानित मंच, आप सबको बताए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने राज्य की बहुत सारी योजनाएं आपको बताई। आने वाली 25 तारीख राजस्थान का फैसला होगा, वो जो कांग्रेस सरकार ने एक से बढ़कर एक योजना आम जन किसान महिला और बुजुर्गों के लिए लागू की है, हमारे युवाओं के लिए राजीव गांधी खेल चालू कर उसमें जो नेशनल खेला उसे सीधी नौकरी देने का काम किया है, तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है। सबसे अच्छी बात आज हमारी महिलाएं बच्चियां जो 12वीं तक स्कूल में पढ़ रही हैं, किताब से लेकर ड्रेस से लेकर सारा पैसा राजस्थान की सरकार उठा रही है, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौगात है। एक बच्चे को 2.5 साल में और 400 रुपया सिलाई का देने की अगर पहल किसी ने की है तो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की है। अब जो नई योजनाएं आप लागू कर रही है, परिवार की हर महिला को अगर दोबारा सरकार बनी आपका आशीर्वाद बना तो 10,000 रुपया सालाना मुख्य महिला के खाते में राजस्थान की सरकार भेजने को काम कर ली। जो हमारे नौजवान साथी जो हमारी बहनें कॉलेज में दाखिला लेंगे तो कॉलेज में कंप्यूटर और लैपटॉप राजस्थान की सरकार उसको फ्री में देगी। आज खेत और खलिहान का मजदूर का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े ये सोच कोई लेकर आने वाला व्यक्ति है तो वो राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। हर ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जाएगी, पंचायत स्तर पर हो गई और आगे जो गांव बचे उस गांव में भी काम होगा। आज हर जगह उप स्वास्थ्य केंद्र, पशुओं के उप स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, पीएससी सीएससी बनाने का काम किया है हमारे राजस्थान की सरकार ने, हमारे नेता पूछाराम गोदारा जी ने। आज हम सड़कों का जाल देखेंगे। धन्यवाद देता हूँ कि हमारा एक सौभाग्य मिला आपके गांव के जाए जल में बड़े भाई अमीर ढाका जी जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे तो रतनगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत नए काम किए। बहुत सौभाग्य की बात है ऐसे हमारे गांव से जन्मे हैं जिनका पूरे हिंदुस्तान में बड़ा गर्व से नाम लिया जाता है अधिकारियों। अब आने वाला जो समय उस समय में हर उस नौजवान को अपने आप में पूछाराम जी गोदारा बनना होगा और उस महिला को 25 तारीख का फैसला आपका फैसला होगा। अगर आप सही फैसला करोगे ना जात की ना पात की बात करो विकास की और निशान होगा हाथ का, हाथ के निशान पर ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर आप यहाँ से कांग्रेस को विजय बनाए क्योंकि यहाँ से विधानसभा में लंबे टाइम से कांग्रेस पीछे रहती आ रही है लेकिन इस बार जो राजस्थान की सरकार ने काम किए उसके दम पर मैं कहता हूँ और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य आपका बहुत बड़ा एहसान है कि यहाँ से कांग्रेस से मैं 117 वोट आके रहा वो 117 217 में आपको परिवर्तन करना। जो भी काम होगा आपके गांव के बागिन जी गवर्नमेंट कर्मचारी बन गए, ज्वाइनिंग नहीं हुई लेकिन काम में रहेंगे, आदरणीय रणजीत जी ढाका जी बैठे, अंजी बरजाती जी बैठे, कोई भी काम होगा पूछाराम जी गोदारा का मोबाइल और पूछाराम जी का घर हर उस व्यक्ति के लिए खुला रहेगा, कोई किसी को संकटने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे मजबूत आदमी को यहाँ से एक बार विधानसभा में भेजे और सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनानी है क्यों जो योजनाएं आज लागू की गई है जो फायदा अपन मिल रहे वो फायदा तभी चालू रहेगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर ये झूठे और मक्कारों की सरकार आ गई तो सारी योजनाएं धुलमिल हो जाएंगी। आज मेरे साथ पड़ गया लोग मैंने वोट दिया कहता कि एक बार थे मेरी कलम में सही घालो बता दो एमएलए ने क्या काम किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपया सालाना देने का काम किया
लेकिन हिसाब नहीं रह सकता कि कौन सी पंचायत में लगाए, कौन से शहर के वार्ड में लगाए। अठे बटे करता फिरे, काम कोई करो को नहीं, छूटी सरकार छूटा एमएलए। काम करे तो कह मैं करा दियो, अरे नहीं कह राजस्थान को मुख्यमंत्री बेकार है। अरे तो तेरे कोई योगी आदित्यनाथ आयोगे मुख्यमंत्री तो वही हो। कल सरकार जो कांग्रेस की है वो बहुत अच्छी सरकार है, आज हिंदुस्तान में सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई मुख्यमंत्री जनता के लिए है तो उसका नाम अशोक जी गहलोत है। आप इतनी बड़ी संख्या में मिले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ओजस्वता बड़े भाई साहब गिरदाला जी बांगड़ा को। अब जितने भी साथी खड़े उनसे मेरा निवेदन है, सामने स्थान ग्रहण करें जो साथी खड़े। और मैं निवेदन करता हूं पीसीसी सदस्य श्रीमान रमेश जी इंदौरिया से वो सभा को संबोधित करें। खेल मैदान में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्माननीय भूसाराम जी गोदाना, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष इंदिरा जी फीते साहब और हमारे साथ सभी आए मंचस्थ विराजित कांग्रेस के नेता, इस गांव के बुजुर्ग नौजवान युवा साथियों और मातृसंगठन दोस्तों, हम सब लोग कांग्रेस का वोट मांगने के लिए, आपसे विनती करने के लिए आपके गांव अध्यक्ष में आए हैं और आप सब इस बात को भली भांति जानते हो कि 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहा है और उसमें कांग्रेस के हमारे अधिकृत प्रत्याशी भूसाराम जी गोदाला है और इनका चुनाव निशान हाथ है। ये चुनाव निशान हाथ बताना आवश्यक है, हाथ के निशान पर ही बटन दबने से हम विजयी होंगे। इसलिए सबसे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी पोलिंग बूथ पर हमारे नौजवान युवा साथी सजग और सतर्क रहकर प्रत्येक व्यक्ति का गांव में डाणी में या इधर उधर गया हुआ है तो उसका वोट 5 से 5 बजे तक गिरवाना है। आपके गांव में बहुत काम हुए हैं, अभी प्रधान जी बता रहे थे आपके गांव में काफी काम हुए हैं। आपके सरपंच महोदय ने पंचायत समिति के थ्रू यहाँ ये खेल मैदान है, आपके ये कमरा है, ये अनेक काम आपके यहाँ ट्यूबवेल है, ये सब करवाए हैं। देखो जनप्रतिनिधि जो है वो आदमी अच्छा है तो विकास के काम करवाता है। हमारे विधायक यहाँ से चुनाव जीत कर गए, 5 साल में आपके गांव में क्या करवाया उनसे पूछना कभी आए। कांग्रेस ने बहुत काम करवाए हैं, अभी पिछले दिनों आपके गांव में महंगाई राहत कैंप करा था, उसमें राजस्थान सरकार ने 10 प्रकार की गारंटियां आपको दी थी और वो चालू है, सारे के सारे काम चालू है। और वो पूरी बात आपको भूसाराम जी बताएंगे। अब नई 7 गारंटी और दी है, वो भी आपको ये बताएंगे और समझाएंगे। मैं इसलिए ये सब बातें कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार गरीब की, मजदूर की और दलित की सरकार है। गरीबी को इंदिरा जी ने एक बार कहा था, देखो मैं आपको बताऊंगा, इंदिरा जी जब थी तो उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ,
तो विरोधी लोग तो उनका काम यही है कि वो उसको उस शब्द को पकड़ के कह दिया कि गरीबों को हटाने का मतलब यहां से हटाओ। लेकिन आपको ये ध्यान है क्या, इंदिरा जी ने वो काम किया जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सका। गल्फ कंट्रीज खाड़ी देश में, खाड़ी देशों से इंदिरा जी ने एक एमओयू तैयार किया जिसके तहत हिंदुस्तान के सारे मजदूर, पढ़ा लिखा व्यक्ति ईरान इराक सब जगह जा सके। उससे क्या हुआ, हमारी लेबर भी गई, हमारे पढ़े लिखे लोग भी विदेश गए। उससे हमें, हमारे देश की जनता और हमारे देश के लोग और जो एकदम गरीब तबके के लोग थे वो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और वो संपन्न हुए। वो इसलिए हुए कि राज में बैठा व्यक्ति उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब 5 साल आपने तो खराब हो गया, अच्छे बचे कठे अगर तो गए वो आपने विधायक कठे अच्छे बचे इसके अलावा कोई काम करे वो हेलो कोई काम कौन करे। ये बात है कि 100 आए तो चुनाव जीत कर जाना चाहिए। देखो आम आदमी ने समझे, दलित ने समझे, गरीब ने समझे, मजदूर ने समझे और वंचित लोग ने भी पूरी उसकी दूरदृष्टि होगा। वो वंचित व्यक्ति है उसको भी वो समझ सके और उसकी समस्या को समझ सके। अब देख लो घर श्याम ने आपकी नौकरी लगी, राजस्थान सरकार में बहुत नौकरियां लगी है, खाली 1 करोड़ करती हो पेपर आउट। ये तो सरकार में ही है, देखो सरकारी नौकरी लगी है। 3 लाख कालकुलराम जी बता रहे अगर 3 लाख लोग हमें रोजगार मिल रहे ठीक है राजस्थान। तो हमारे विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका काम तो यही है कि वो हमारा हम चाहे कितना बढ़िया काम करते हमारी बुराई करना उनका धर्म है, उनको जुबाना चाहिए। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, धर्म भी मारो ही है, मेकर आजकल तो ठीक है, मेकर जमाने को धर्म है वो तो धर्म है, आप माना वो धर्म को क्योंकि आप कांग्रेस था, कांग्रेसी आदमी को धर्म की बात करता है उसको वो नहीं मानता। तो रामचंद्र जी भगवान श्री राम हमारे मोहनजी रहेगी हरे पाव रहेगी कठारे अलावा कोई आदमी भगवान राम को नाम को ले इसके और जय श्री राम कौन कह इसके राम राम कौन कह इसके। अरे लोग अंदर दिमाग में एक बात है कि लोगों को कैसे भ्रमित करें, दिग्भ्रमित करने का इनके पास कोई और इसके अलावा कुछ धर्म के नाम पर जाति के नाम पर समाज के नाम पर लोगों को भड़काकर और इस वातावरण तो इन सब बातों से पेट नहीं भरता। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनने से कोई पेट नहीं भरेगा, आप काम करोगे सुबह शाम रोजगार मिलेगा आपको तब आपका पेट भरेगा, तब आर्थिक रूप से आप संपन्न होगे। हम सब भगवान को मानते हैं, रामचंद्र जी हमारे सबके आदि देव हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके आप मानते हो इसलिए दूसरा नहीं मान सकता। ये जिन लोगों ने वातावरण बना दिया, इस वातावरण को तोड़ने के लिए 25 तारीख को हाथ के निशान पर वोट लगाओ, अपने आप टूट जाएगा ये वातावरण। इसलिए इस गांव के लोगों ने हमारे जितने भी साथी यहां हमारे साथ आए हैं उनका मान सम्मान किया और आप सब लोग यहां आए और हमारी बात सुनी, उसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब प्रमेश जी मेरिया को। और मैं माननीय प्रधान जी को संबोधन के पहले में बता देना चाहता हूं मेरे गांव की समस्याओं के बारे में। मैंने पढ़ ली दे गया बोला मैं पढ़ ली।
थोड़ी बधाई देता हूँ दोस्त। देखो एक तो समस्या है सार्वजनिक शमशान घाट है, सार्वजनिक शमशान घाट है तो भी कहे खूरों को नहीं, और चौमासे के टाइम में दो दिन का माने जाने को जरूरत पड़ेगी भी जहाँ तो अब तक कांटा वगैरह हो जाए तो मैं सही तरीके से जा पहुंच का अब तो भी जहाँ घास है चिंता मत कर। आज गांव के खेल ग्राउंड में सभी लोग गांव से पधारे, माताएं बहने कार्य बच्चों और साथ में थारो मिलन ने निवेदन करना आइडिया थारो सब खूब या लाइन से बैठे भोगड़ा आज निखाना आज कहना आया हुआ बात से बड़ा बता दी वक्ता काफी देर से लाग रहा है एक एक बात से कि वोट 25 तारीख तक करके कांग्रेस ने देना है और कांग्रेस का उम्मीदवार है मुस्ताराम जी गोदरा है कोई परिचय का वोट आज बनी 10-12 साल से थारे बीच में रह दुख सुख में बेचा थारे खा पाओ कांग्रेस ने वोट क्यों देना है और चर्चा आ होनी चाहिए कि तुम भी वोट क्यों दे तो किए गिरे हो प्रश्न तो कोई आवा है कि बढ़िया काम कर विंडो कटा ने कर कटा ना भाया साल विशाल वासा होते बोगरा विधायक आपको नहीं अगर होता तो 4 साल लगता बहुत ही जोर का खूब का काम होता लेकिन दिख गए दिख गए अलावा एक विधायक काम पर कर स्टेप भी से जाता सामने कर बिना हो जाता काम में विधायक ने रहते हुए भी कर बस 5 मिनट की बात है अब ज्यादा टाइम बोलिए हमारे भी लेट हो रही है अब हमारे लिए भी 2-4 बात है काम की बात है फिर को थाने में आनंद आती बात तो मोटी मोटी थाने सारी बताती बात आई है एक एक वोट गांव को आप लोग पढ़ना चाहिए गांव की कोई बात मान देखी है फिर बेटे मेरे साथ रहे विद्रोह बेटे वोट दे हुए आप लोग वोट इनको लियाओ ऋण होने के आप आजू बाजू जयपुर बीकानेर इन्हें है तो फिर बुलाना चाहिए और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट दे की दूसरा आप जिन्हें को आपने विजय बनाना ही ताकि आपका काम रहे ना एक बार बाकी से कह रहे ज्यादा लेट बेटा जरूरत पड़े तो बने का डिग्री वहां आराम से कर लिया तो कर सीमा कर क्यों हुआ को नहीं हो बकरी बड़ी जुड़ी हुई है सौ लगे है ऐसा जानो अब आप खुद आराम से बता सिखाने नई स्कीम सरकार कांग्रेस की बंदकारी भी तो कोई किस्तु वो नहीं आ रही है जबकि मुख्य महिला ने 10,000 रुपया साल का और मिलकर 65,000 रुपया मिले नहीं मिले बाकी आपके 11.5% थी 15% और बढ़ सी अगले साल 1,300 थी बाकी ग्रांटी लिख दी गई है वो 40 पहली मिलते ने ये कुछ मिले हर साल बढ़ती बढ़ती 15% क्यों अगली बार 1,300 से 2 साढ़े 1,300 जिसकी थी के बाद में 1,800 से 2,000 जिसकी और सरकार बड़ी तो बेटा और बढ़ो भी खर्च को देखेगी तो कटे भी भूल कौन करनी है आप लोग एक एक वोट है नहीं वो कांग्रेस के तुलसीराम जी के पक्ष में पढ़ना चाहिए और कांग्रेस ने हम भाईवता से विजय करनी है आप लोग मुख्यमंत्री जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं आई बात वो थाने सबने कहना आया है बाकी बात थाने से बता दी और तुलसीराम जी थाने पत्री की है जिनकी 2-4 बात और बता दे सी काफी देर से तो बैठे हो परेशान है रहो सर बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत कांग्रेस का अखबार में एक बात तो भूली की और रहेगी अखबार में रमेश भाई जी कह रहे हैं तो बोले राम जी जी बड़ा गोल ले रख गई वोट तो बिल्कुल मैंने बेचारा ने राम राम तो गांव को सब दो मैं तो सौ पहले मिला ने राम राम ने कहा गांव में दिन के पहले कोई मिला ने जमीन माने मुझे क्या राम और और गोनी सिंह की बात तो राम राम की है दूध और सबकी गोनी लेकिन दिल को बता दियो चढ़ा दियो और वो लंबो के की है वो कोई तरह लगाने वाला है अब वो कहें वो काम भी कर ले बेटे
आज तो इनके लिए वजन बढ़ा चढ़ा के आगे ले गया। अब अगेंसी का सारे बात चल रहे जिनकी मोटी मोटी बात की है मारे जना सारो काम सारो उतर हुए। सबसे बड़ी समस्या जो है एक कूड़े की माना बाबा ने बताई कौन समझा जो ही आचार संहिता खत्म हो सके सबसे पहले तो तीन मन था रुपये हुए 5 लाख देसी कर दिया सारो काम तो बनाऊंगा वो अब संसार को और मैं सब साफ हो गया और मेरे बस मेरे घर से बेटियां करवाण ये कक्षा देखा जो भी हो जितना भी सारा काम है कोई दिक्कत वाली बात को नहीं मारे कभी सब उसे लगाना है और सारा काम करना है कि कैसे और ले कर क्या और अब चिंता क्यों करो आपने विधायक मंत्री से बात में दुनिया ने मिल के ये तो मांग कर रहा है बेटा था जैसा जितना भी बात ही होनी ठीक है साहब धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब निवेदन करता हूँ अपने लोकलाज में छत्तीस कौन के नेता जन सेवक माननीय कुशाराम जी को द्वारा सभा को संबोधित करेंगे उससे पहले जगह लगाएंगे कुशाराम जी को द्वारा कुशाराम जी को द्वारा कुशाराम जी को द्वारा ग्राम अध्यक्ष में आयोजित जनसभा में हमारे सगेवड़ा कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष इंदिराज खिचड़ जी सम्माननीय पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा जी सम्माननीय वरिष्ठ नेता रमेश इंदौरिया जी सम्माननीय ज्ञातलो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय कालूराम मेघवाल जी पूर्व अध्यक्ष वाणीराम मेघवाल जी सम्माननीय भाई धन्नाराम पूर्व सरपंच जी फकीर चंद दानोदिया जी सम्माननीय जैसल जी और सम्माननीय आपके यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल मेघवाल जी सम्माननीय सीताराम मंडल अध्यक्ष जी सम्माननीय मंडल अध्यक्ष केसर सिंह राठौड़ जी सम्माननीय हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरि हरसवाल जी सम्माननीय सुरेंद्र सिंह जी सम्माननीय सज्जन पाटर जी ठेकेदार जी रामनिवास जी विजयपाल जी और पूर्व सरपंच सोहन जी भंवर जी सुरजाराम जी जीएसएस अध्यक्ष और गिरधारी जी बागड़वा पूर्व सरपंच और तमाम ग्राम के मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों माता शक्ति देखो आने वाली 25 तारीख को राजस्थान में और अपने यहाँ विधानसभा का चुनाव होने है और मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा है और इसी सिलसिले में आप सब लोगों से हमारे सारे नेता और मैं निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप 25 तारीख को अधिक से अधिक मत और समर्थन कांग्रेस पार्टी को और मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं हाईकमान के विश्वास पर खरा उतर सकूं आपका विश्वास पर मैं खरा उतर सकूं ये मैं और मेरे साथी आपसे आह्वान करने के लिए आए। जहां तक मेरा प्रश्न है मैं पिछले 10 साल से लगातार आपके बीच में हूं आप सब लोगों ने हालांकि काफी अच्छा मुझे आशीर्वाद मिला लेकिन अपन लोग कामयाब नहीं हो पाए लेकिन मैंने आपकी शक्ति को आपके आशीर्वाद देकर लगातार मैंने जनता के बीच में सुख दुख में शामिल रहा और संघर्ष जारी रखा विपक्ष में थे सड़कों पर आंदोलन किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ छोटी मोटी सत्ता में आए हमने विकास के काम किए और सब लोगों का जो भी मेरे घर आया मैंने उसका पूरा मान सम्मान रखा किसी भी प्रकार की जातीय बिरादरी की बात नहीं करके उसका काम करने का प्रयास किया और जन सुनवाई के दौरान और सभी पार्टी के कार्यक्रमों को मैंने और मेरे साथियों ने आगे बढ़ाया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 5 साल हमारा राजकाल होगा सभी नेताओं ने उपलब्धियां सारी मेरे भाषण की बता दी धीरे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसका एमएलए आज उसको आपने पिछली टाइम में वोट दिए वोट भी किया
उसने अपना वादा जो किया एक भी पूरा नहीं किया, जनता के बीच वो रहे नहीं। एक बार बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने और एमएलए कोई भी अगर इस गांव में या क्षेत्र में कोई काम किया है या आपके लिए कोई काम किया है तो ये आप बताइए कि भी वोट उनको क्यों दें, कांग्रेस को क्यों वोट दें? हमारी सरकार ने आपकी 100-200 यूनिट बिजली 2 महीने खड़ी करी, आपका बिल 0 आता है। किसान को 2000 यूनिट बिजली हमने खेती के लिए खड़ी करी, 1000 रूपये हमने अनुदान दिया, 500 रूपये में 1150 वाला सिलेंडर दे रहे, 550 और 750 के 1000 रूपये हम पेंशन दे रहे। 15% हर साल हमारी सरकार बताई, महिलाओं को रोडवेज में 50% किराया खरीद दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने जिनको गेहूं दिए खाद्य सुरक्षा में, उन्हें फूड किट भी हम दे रहे हैं। उस किट में दाल और तेल पर मर्म मसाले तक दे रहे हैं। सरकार बोरी देगी और पूरी यह मिले आ कांग्रेस की 100 गहलोत की दे, जिसके हम दिखाइए कांग्रेस जो पार्टी है तो गरीब दलित मजदूर और किसान की पार्टी, उसको लेकर भी कदम से कदम मिलाकर हम जनता के लिए इसको लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। 25 लाख तक का इलाज करिए, हॉस्पिटल में 1 रूपया नहीं लगता आपका, 1 रूपया नहीं लगता, दवा भरी, जांच भरी, ऑपरेशन भरी, 25 लाख तक का इलाज करी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। अगर कोई कैजुअलिटी होगी, इसकी मरती होगी हादसे में, 10 लाख रूपये हम उसको क्लेम देते हैं, हमारी सरकार देती है, कांग्रेस पार्टी देती है। मैं कहना चाहता हूं हमारे किसान है, हमारे किसान इनको सबको देखा, उसकी अगर लंबी रहे मरीज, हमने 40,000 रूपये गाय के दिए। अब आगे काम धनु योजना शुरू की, ये कांग्रेस पार्टी ने किया, हमारी सरकार ने 5 साल में, हमारी सरकार ने 5 साल में 3.5 लाख लोगों को नौकरी लगाया। आपके यानी बारिश से 2-3 आदमी मास्टर लगे, सटवारी लगे, बेजारो लगे, तहसीलदार एसडीओ लगे, इंस्पेक्टर लगे, ये सब व्यवस्था हमने सरकार की। भारतीय जनता पार्टी ने रेल बेची, हवाई अड्डे बेचे, बिजली बेची, कोई भी काम अगर पाकिस्तान देश देखे आप नौकरी क्या लगोगे, मैं समझा आप देखे हो तो सरकार से पार्टी से क्या अपेक्षा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट की बात मत करना, कहे जरा क्या क्या इसमें। हाँ, हमारे साथियों ने बताया धर्म संप्रदाय जाति जात है, उम्मीदवार है, नायक है, खाती है, सारे यहीं रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे, हम भी आपके बीच रहेंगे। वोट उसको ले आओ, उस पार्टी को ले आओ जिसने आपके लिए कुछ न कुछ किया है। हम आपसे वादा करना चाहते हैं, अगर हमारी सरकार आई, मैं ऐसे चुनाव जीता तो हमारी जो महिलाएं हैं, हर घर की मुखिया है, उसको 10,000 रूपये हर साल उसके खाते में देंगे, ये गारंटी के साथ कहते हैं। राज आ गया, हम जीत गए, चाहे खाते खुला रहे, घर की मुखिया उसको पैसा मिलेगा 10,000 रूपये। नहीं आयो खाता मतलब बुलाई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी फूल के भरोसे। कहने का मकसद ये है, जो हमारे लड़के पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे फर्स्ट ईयर में, उनको लैपटॉप और कंप्यूटर हम खरीद देंगे इस साल, इसका ये भी हम वादा करना चाहते हैं। हमारे खेती को पशुधन हरा फेंसिंग कार्बोदी की व्यवस्था की, 50,000 रूपये तक हम अनुदान दे रहे हैं, फिर भी पार नहीं पड़ा, हमारा पशु घूम रहे हैं, बूढ़े बहनों महिलाओं को मार देते हैं, छोटे पहुंचाते हैं। हमारी सरकार फैसला किया है कि 1 कंट्रोल और करो, नहीं तो आप उनको छोटे बगैर नहीं रह सकते। 2 रूपये किलो गोबर भी खरीदेंगे और फैक्ट्री लगा देंगे, उससे खाद तैयार करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा और आप भी गाय के लिए राशन ला दिया पोठा का रीजा बताए।
काम भी हमारी सरकार करेगी। 2000 किलो खरीदा ला अगर हमारा राज पुणे आ गया तो राजी तो हुई अंठा है क्या बोलो बड़ो कर लिया लेकिन वह लोग हाथ में वोट जो ली मैंने वोट जो ली सही सही बता दू खाने अरे भी बता दू रोजगार साथियों पेपर लीक हो गया जो पेपर लीक हुआ हमने उनको जेल भेजा जवाब दी भारतीय जनता पार्टी के बाहर जो पेपर लीक हुए सारे बार घूम रहे एक दिन अंदर नहीं गए और दलाली के पैसे सरकार ने बीजेपी सरकार ने खा लिए। हमने ईमानदारी से काम किया आपके गांव में छापड़ी खड़ी से आपके सड़क बना रहे ठेकेदार की विवाद रेखा नहीं बनी है बन जाएगी काम चल रहा है। आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है मैंने बहुत पहले सेशन कराई थी ढाका जी ने हमने बात की थी लेकिन ये अभी तक पार नहीं पड़ पाई ये ठेकेदार का अच्छी सड़क बन जाएगी और आपको सीधा जोड़ दिया जाएगा। फिर बाद में आपको ऐसे सीधा कहीं जाने की जरूरत नहीं छापड़ी खाली से इधर से डाला सर और इधर से सीधा घुसाई सर से सीधे चूरू रोड में मिलान होगा और रतन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे बड़ा काम क्या होगा आपके गांव के लिए बताइए हमने बहुत काम करना प्रयास किया आगे भी आज बहुत सी लंबी लिस्ट दी है कोई खुरो बनाना है कोई शमशान घाट में तीन सेट बनाना है खेल मैदान की चार दीवारी बनानी है एक शमशान घाट में फिर तीन सेट बनाना है एक लाइब्रेरी बनानी है और खेल मैदान बनाना है। देखो ये सब होने वाले काम है इसमें लोका खेती की बात नहीं है प्रधान जी करेंगे सरपंच साहब करेंगे और मैं जीत गया बच्चे में सारे काम आपके 2 साल में कर दिए जाएंगे ऐसे वादा करना चाहता हूं। ये लंबी बात हमारे नेताओं ने कह कि मैं नहीं बोलूंगा लंबा इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि भोजन थोड़ा जल्दी हो गया इसलिए बहुत ज्यादा बोल गए इसलिए नहीं तो सब 2-2 मिनट बोलते हैं। इन्हें सबसे मैं अपेक्षा करना चाहता हूं कि आप 5 साल के लिए मेरे को कांग्रेस पार्टी को मौका दो आप 25 तारीख सब लागू डालिया अगर एक भी दिन चुनाव में नहीं लड़ सकता मैं प्रतीक हूं चुनाव आप लड़ रहे हो आपको लड़ना है आप अगर जीत होगी आपकी होगी मैं प्रतीक होगा लेकिन 25 तारीख को एक भी वोट बहुत है वोट बहुत है लेकिन पेटी में रहना ही मोदी वालो अगर मैं हाथ के सामने हरियो बटन दास छी बोले नहीं कोई वोट मुझे लीजिए लो मारे सोबेटा माँ सुभाष गया तो बता दीजिए ला इसलिए सुबह 10-7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक कैसे कार्यकर्ता और युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक दिन मेरे लिए कांग्रेस के लिए बात करना 5 साल तक हम जनसेवक के रूप में आपकी सेवा करेंगे आपका मान सम्मान करेंगे और आपकी सारी बातें रखेंगे यही आशा विश्वास के साथ मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ग्रामवासियों ने मेरा और मेरे साथियों का अच्छा मान किया सम्मान किया इज्जत की इसके लिए धन्यवाद और 25 तारीख को पूरी ताकत के साथ है कांग्रेस ने मैंने आशीर्वाद दियो तो महाराज में ठाकुर इस बात का ध्यान रखना आगे भी आपके साथ हम मिलजुल करके क्षेत्र का काम करेंगे पानी हो चाहे बिजली हो चाहे सड़क हो चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो सारे काम करने का प्रयास करूंगा और मेरे साथी करेंगे इसी आशा विश्वास के साथ बड़ी संख्या में आए और खेल मैदान में जाकर के और आपके क्रिकेट खेल के उद्घाटन की घोषणा यही से करता हूँ और वहां एक दल के टक्कर लगा करके इस खेल को चालू कर दिया जाएगा। धन्यवाद जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तुलसीराम जी गोदारा को जगह कांग्रेस पार्टी तुलसीराम जी गोदारा हमने निवेदन करते हैं दोनों टीमें मैदान पे पहुंचे तुषाराम जी और साथी पधारे हैं सभी सम्माननीय कांग्रेस की पार्टी के नेता करें सभी से मेरा अनुरोध है मैदान में पहुंचकर उन्होंने उद्घाटन करें सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के नेता करें अतिथि गण धन्यवाद मैदान तो बड़ा ही होगा Thank you.
ये तो बाबू है, बाबू ग्रेट, बाबू लाल है। धन्यवाद। ले भाई आ जाओ, दोनों काट रहे हैं भाई। बोलो मुकेश से ले ना, दोनों वहां से न्यूज़ पो बोल कर ये कर वो करे कप्तान करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। अब भाई ले बोल दिया दीवान जी, दीवान जी रोल खिलाओ।